श्री पुरुषोत्तम महात्म्य कथा अध्याय 15। स्तुति जी बोलिया, भगवान कृष्ण ने दंडवत प्रणाम करी सुदेव उभा थया अने स्तुति करवा लाग्या। हे देवोना देव, हे अभय ने देनार सर्वना ईश्वर, आपने मारा नमस्कार छे। हूँ आपने शरणे आव्यो छूं। हे जगतना आधार रूप, हे जीवन निर्माता, हे विश्वनु रक्षण करनार, हे तेजस्वी ओमा श्रेष्ठ, हे दिन वत्सल, हे वासुदेव सुत श्री कृष्ण, आपने हूँ वंदन करूँ छूँ। हे प्रभु, आप दिन वत्सल होवा छता मारी उपेक्षा करवाथी आपनो दिन वत्सलपणो नाश पामसे। सुदेवी जारे आ प्रमाणे स्तुति करी त्यारे मेघ गंभीर वाजे भगवान बोल्या, हे तपरूपी धनवाड़ा, ते जे तप कर्यो तेनाथी हूँ प्रसन्न थयो छूं। तारा जेवो तप अत्यार पहला कोईए कर्यो नथी। तारी इच्छा में आवे ते तू मारी पासे मांग। हे नाथ, जो तमे मारा पर प्रसन्न थया हो तो मने एक सत्पुत्र आपो, केम के पुत्र विना मारो गृहस्थ आश्रम मने शून्य जेवो लागे छे। सुख संपत्ति मने जराय गमता नथी। हे ब्राह्मण, भगवाने कह्यू, पुत्र विना तारी इच्छा में होय ते तो मांग, हूँ तने बधुं ज आपीश। मैं तारा भाग्यना अक्षर वाँचा छे, तेमां तने 7 जन्म सुधी पुत्र न थाय तेवुं छे। बोलता भगवान शांत रह्या। सुदेवना काने भगवानना शब्दों पड़ता जाने तेना पर वज्र पड्यो होय तेम लाग्यू। ते एकाएक जमीन उपर पड्यो। पोताना पति ने जमीन पर पड़ेलो जोता तेनी पत्नी पासे बेसी रड़ती रड़ती बोलवा लागी, हे नाथ, उठो, उभा थाओ, ब्रह्माए जे भाग्य निर्माण कर्युं छे तेज प्रमाणे बधुं मळे छे। त्यां भगवान पण शुं करे, जेना भाग्य रूट्या छे तेनो क्यांय सारूं थतुं नथी। वेदोमां हरिसेवा, दीप, दान, सत्य वगैरे श्रेष्ठ कहेलुं छे, पण तेने भाग्य आगळ कंई हिसाब नथी। माटे दुःखने दूर करी उभा थाओ, भाग्यमां जे लख्युं होय ते थाय छे। गौतमीना दुःख भर्या शब्दो सांभळी भगवानने गरुड़ कहवा लाग्यो, हे दिन दयाळ, हे दयाना सागर, भक्तोने अभय करनारा आ ब्राह्मणना आंसुओ सामे तो जुओ, तमे दिन दयाळ होवा छता तमे आवा निष्ठुर केम थया छो? तमे धर्मना धारण करनारा होवा छता आज तमारो धर्म क्यां गयो? तमे वरदान देनारा होवा छता आज आ ब्राह्मणने केम वरदान आपता नथी? तमे आ ब्राह्मणनी मनोच्छा पूरी नहीं करो अने भाग्यना अक्षरोनी वात करशो तो पछी तमारुं सेवा स्मरण कोण करशे? तमारा चरण कमळने कोण सेवशे? जो बधाने भाग्य उपर आधार राखवो पड़शे तो पछी तमारी भक्ति कोण करशे? तेम तमे सर्व कंई करी शको तेम छो, तो आ ब्राह्मणने पुत्र आपो। सुदामाए तमारी सेवा करी तो ते उत्तम पदने पामियो। संदीपने गुरु तमारी कृपाथी मरेला पुत्रने पाछो मेळवी शक्या, तो आ दुखी दंपतिनी शा माटे तमे इच्छा पूरी नथी करता? तमारे शरण आवेला ने निराश शा माटे करो छो? करुणा शब्दों सांभळी भगवान बोल्या, हे पक्षी श्रेष्ठ, तू तेमनी इच्छा प्रमाणेनो पुत्र आप। ભગવાનના પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણેના શબ્દો સાંભળતા ગરુડે હર્ષ પામી તે બ્રાહ્મણને તેની ઈચ્છા પ્રમાણેનો પુત્ર આપ્યો। ઇતિ શ્રી બ્રહ્માદિય પુરાણમાં દ્રઢદન્વા આખ્યાનમાં સુદેવ વર પ્રદાન નામનો 15મો અધ્યાય સંપૂર્ણ।